Hello dear students, it is Ajaz sir's Maths Academy and I am Ansar sir. We were studying gravitation. Let us continue with the topic. No, not continue. Let us start a new topic today. Because in the previous class I told you that we would start a new topic. And today's topic is gravitational potential energy. Gravitational potential energy. So our today's topic is gravitational potential energy. अब ध्यान से समझो क्यों नाम दिया गया होगा gravitational potential energy, क्या और भी कोई potential energy थी? Yes, but पहली बात potential energy क्या होती है? What is potential energy? You studied in the 9th standard. And what is gravitational potential energy? तो उसका definition लिख देता हूँ, फिर आप note down कर लेना definition. The energy stored in an object. The energy stored in an object because of the gravitational force. Because of the gravitational force between the body. Because of the gravitational force between the body. And the earth is called gravitational potential energy. For example, see, अगर ये पेन को मैं यहां से छोड़ दूं तो ये नीचे गिर जाएगा. पेन नीचे गिर गया. पेन नीचे क्यों गिरा? कोई चीज अपने आप चलती है क्या? नहीं, वो चीज चलती है. कोई मरा हुआ आदमी को देखे आपने, जो मरा हुआ आदमी अपने आप उसकी लाश उठ के बैठ गई होंगी और चल रही होंगी? नहीं, क्योंकि जिस चीज में एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी या कोई एनर्जी है, वो मूव होती है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. The capacity to do work is called energy. और work का मतलब क्या होता है? Force into displacement. अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह displacement कर सकती है, अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इसका मतलब कि उसमें energy है. अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही, मतलब वो work कर रही, मतलब उसमें energy है. तो जिस चीज में energy है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती. ये पेन में energy है, इसलिए तो पेन नीचे गिर रहा है, इसलिए तो पेन नीचे जा रहा. आप बोलेंगे क्यों सर, झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमको मालूम है अर्थ खींच रही है उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए वो नीचे गिर रहा है. तो ये देखो, ये नीचे फेंक दिया पेन मैंने फ्लोर पर, अब क्यों नहीं चल रहा है अपने आप पेन? अभी तो अर्थ खींच रही है इसको, है ना, अभी भी तो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, फिर अब क्यों नहीं पेन चल रहा? क्योंकि अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल हो गई है. अगर अर्थ के सर्फेस से गिना जाए तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है. जीरो पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए अब उसमें एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं इसलिए पेन चल भी नहीं रहा. और अगर मैं इसको ऊपर उठाऊंगा यहाँ पर, तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, है ना, इस पेन में पोटेंशियल एनर्जी आ गई. एनर्जी आ गई, जिस चीज में एनर्जी आ गई वो चल सकती है. देखो मैंने छोड़ दिया पेन को, फिर से चले गया पेन नीचे. तो जिस चीज में एनर्जी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चलती है, डिस्प्लेसमेंट करती है, और जिसमें एनर्जी नहीं होती है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती. तो ये पेन में पोटेंशियल एनर्जी है अगर वो हाइट पर आता है तो, और अगर अर्थ के ऊपर रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, है ना. तो अच्छा याद करो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हमने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh चंकी चाट मसाले. गलत, वो चंकी चाट मसाले वाला mdh है, और हमारा फॉर्मूला क्या है? mgh. व्हाट इज m? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द पेन. व्हाट इज g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेविटी. एंड h इज हाइट अबाउट द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के ऊपर 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 कितनी हाइट है. तो पोटेंशियल एनर्जी काय पर डिपेंड करती है? मास पर, ग्रेविटी पर और हाइट पर. जैसे जैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे जैसे कोई चीज ऊपर जाती है और से ऊपर 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 जाती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, वो बढ़ता है या घटता है? तो
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, लेकिन हाइट तो बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच, बात समझ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, क्या आपको मालूम है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसमें जिस जो जितना ज्यादा भारी रहता उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहती, और जो जितना हल्का रहता उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम रहती। तो और पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, जितना हम हाइट ऊपर 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 जाएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। आप क्या सबूत है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अगर मैं एक पत्थर ले लेता हूँ और यहाँ से एक मैं अपना पैर सामने रख देता हूँ और एक पत्थर यहाँ से छोड़ता हूँ, यहाँ से तो पत्थर गिरेगा मेरे पैर पे लगेगा, तो मेरे पैर पे चोट लगेगी, तो चोट लग गई पैर पे अगर पत्थर मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो। अगर यही पत्थर मैं यहाँ से छोड़ू इतने ऊपर से छोड़ू तो ये पत्थर को इतने ऊपर से ज्यादा ऊपर से छोड़ूंगा तो चोट कम लगेगी या ज्यादा लगेगी इस बार, अगर पत्थर ऊपर से फेंकेंगे तो चोट ज्यादा लगेगी। क्यों ज्यादा लगेगी चोट, क्योंकि ज्यादा एनर्जी से पत्थर भिड़ा मेरे पैर पे, तो उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा कहाँ से आई, जब जैसे जैसे कोई चीज ऊपर ऊपर जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत बहुत बढ़ जाती है। और ये अर्थ है, इफ दिस इज दी अर्थ, अगर ये अर्थ है और अर्थ से कोई चीज ऊपर 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 जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएंगी बढ़ते जाएंगी बढ़ते जाएंगी, और अगर वो इंफिनिटी हाइट तक पहुंच गई, अगर वो ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी होगी कि इन्फिनिटी, ये साइन इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी है करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों किलोमीटर ऊपर अगर कोई चीज़ चली गई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। कैसे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी का फॉर्मूला क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला लेते हैं अपन, है ना, एक काम कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, है ना, अगर कोई चीज अर्थ पे रखी है, अर्थ पे रखी है यहाँ पर, अगर कोई चीज अर्थ के ऊपर रखी है, ये अर्थ की रेडियस आर, अगर अर्थ के सेंटर से पोटेंशियल एनर्जी गिने हम तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, एम जी आर कितनी रहेगी, एम जी आर, और अगर वो हाइट पर चढ़ जाए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, एम जी आर प्लस एच कितनी रहेगी, और अगर यहाँ चले जाए तो और एच की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, और यहाँ एम जी की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम जी की वैल्यू क्या रहेगी, जी एम अपॉन, अगर यहीं पर हमको रखना है तो क्या हो जाएगा, एम जी एच ग्राउंड अर्थ के सेंटर से, और मैंने आपसे कहा था कि हर डिस्टेंस कहाँ से गिनना चाहिए, अर्थ के सेंटर से, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आप यहाँ खड़े हो अर्थ के ऊपर, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अगर आप अर्थ के ऊपर खड़े हो तो आप में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, और एच यानी हाइट, और अर्थ के सेंटर से आप कितने हाइट पर खड़े हो, हर डिस्टेंस कहाँ से गिनना चाहिए, सेंटर से, तो अर्थ के सेंटर से कितने हाइट पर खड़े हो आप, आर, तो एम जी आर, और उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एम जी की वैल्यू लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर, ये वाला आर, तो ये हो जाएगा, ये क्या आया, स्मॉल जी के सिंस स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर और के सरफेस पर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एम जी एम अपॉन आर, ये आ गया, समझ लो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है अर्थ के सरफेस पर, या तो एम जी आर या एम जी कैपिटल एम अपॉन आर। व्हाट इज कैपिटल एम, मास ऑफ द अर्थ, व्हाट इज जी कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, व्हाट इज स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज आर हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो एम जी इंटू डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो अर्थ के सेंटर में जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, समझ रहे हो, अर्थ के सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहती है, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ होती है, तो इन्फिनिटी पर, हम यहाँ चढ़ गए तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, एम जी एम अपॉन
आर प्लस एच, एच यानी कि आर के ऊपर से कितने हाइट पर है ऑब्जेक्ट, आर के ऊपर कितनी हाइट पर है ये यहाँ पर, तो कितनी होगी एम जी एम अपन आर प्लस एच। अगर और ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। और जब वही ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर चला जाएगा और वहां से इसको फेंकेंगे तो नीचे नहीं आएगा, यहाँ पर रहेगी पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एम जी एम अपॉन इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है, हाइट इज हाइट आर प्लस एच इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब यहां से कोई चीज को नीचे छोड़ेंगे तो क्या होगा, यहां से कोई चीज को नीचे छोड़ेंगे इस हाइट से कोई ऑब्जेक्ट, इस हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे छोड़ दोगे तो वह नीचे नहीं गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा बल्कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो इस साइड से यहां से नहीं गिरेगा ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे हो, अर्थ के सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएंगी। जब और ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएंगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। अब ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ है और वो जीरो है, तो इधर की पोटेंशियल एनर्जी जीरो से कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, कम रहेगी। और जो चीज जीरो से कम होती है उसके सामने माइनस साइन रहता है, क्योंकि वो नेगेटिव रहती है, वो माइनस में रहती है। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी माइनस एम जी आर, ये रहेगी माइनस, और इसके भी सामने रहेगा माइनस। बोलो नहीं समझा, ये माइनस साइन पता है कहां से आया, फिर से एक बार, अगर मैं ये पेन को गड्ढा खोद के और के सेंटर में डाल दूं तो ये चलेगा क्या, नहीं नहीं रुक जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर से नहीं छोड़ूंगा, इजीली ले जाके सिर्फ यहाँ रख दूंगा और के सेंटर में, तो ये चलेगा नहीं। तो क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और अगर मैं इसको ऊपर 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 ले जाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और फास्ट गिरेगा, और ऊपर से फेंकूंगा तो और फास्ट गिरेगा, और ऊपर से फेंकूंगा तो और फास्ट गिरेगा। लेकिन जब बहुत ऊपर ले जाऊंगा और वहां से फेंकूंगा तो ये पेन गिरेगा ही, ये पेन गिरेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि अब पेन में एनर्जी नहीं है, पेन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो बन गई है। और पेन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो बन गई, इसका मतलब ये है कि अब ये पेन की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब इतने ऊपर जाने के बाद इंफिनिटी पर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो उससे थोड़ा नीचे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, जीरो से कम रहेगी, मतलब नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्यों आया समझे, अगर कोई पेन आउट पे रखा है या नीचे रखा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इसलिए पेन अपने आप चलता नहीं है। यहां से पेन छोड़ूंगा तो गिरेगा नीचे,
यहाँ ऊपर से फेंकूंगा तो और जोर के गिरेगा क्योंकि और ज्यादा एनर्जी है, और ऊपर से पेन को फेंकूंगा तो और जोर के गिरेगा क्योंकि और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ गई उसमें, पेन को और ज्यादा ऊपर से फेंकूंगा तो और ज्यादा जोर के गिरेगा क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा गई। जितने ऊपर 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 से फेंकेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा 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 होती जाएगी। इसका मतलब है कि अर्थ के ऊपर जितनी जितनी हाइट ऊपर ऊपर जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और बढ़ते 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 एक ऐसी हाइट आ जाती है कि जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंको तो वो अर्थ पर नीचे गिरता ही नहीं। अर्थ पर नीचे क्यों नहीं गिरता? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच नहीं पाता, इनसफिशियंट ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है तो अर्थ की ग्रेविटी उसको यहाँ नहीं खींच पाएंगी, इसलिए वो ऑब्जेक्ट वहीं रहता, वो गिरता नहीं, वो चलता फिरता भी नहीं, बस जहाँ छोड़ दो वहीं पे पड़ा रहेगा। तो ऑब्जेक्ट को वहाँ छोड़ के वो वहीं पड़ा है, इसका मतलब अब उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी नहीं है मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जब इतने ऊपर जाके उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी? जीरो से कम। यहाँ कैसी रहेगी? जीरो से कम। और जीरो से कम का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, माइनस। तो इसीलिए ये माइनस साइन लगा, समझ गए? और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझ गए, GmM / R+H। अंडरस्टूड? कोई डाउट होगा, कोई डिफिकल्टी होगी तो यू विल कॉन्टैक्ट मी, है ना? क्वेश्चन पूछने से हिचकिचाया मत करो। मैंने देखा कि 12th स्टैंडर्ड वालों को जब मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, तो 12th स्टैंडर्ड वाले जितने उनके मन में क्वेश्चन आते हैं व्हाट्सएप पर मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन शायद 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को डर लगता होगा कि सर सर झाप तो नहीं देंगे, सर बिजी तो नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तब मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देता हूँ, डोंट वरी। जिस दिन क्वेश्चन पूछे बराबर जैसे मैंने देख लिया, कभी कभी तो कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ जाता तो मैं ऑनलाइन आंसर दे देता हूँ। तो अगर समझा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो आप क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, ठीक है? तो ये टॉपिक था हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो बात समझ में आई, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? माइनस GmM / R+H। व्हाट इज R? रेडियस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज H? अर्थ के ऊपर कितनी हाइट है उसको। अगर कोई चीज अर्थ पर ही रखी है, अगर इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ, ये न्यूटन है अर्थ के ऊपर सोया है, तो उसकी हाइट कितनी है? अर्थ से जीरो है, तो यहाँ H इज इक्वल टू जीरो रहेगा। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? न्यूटन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? माइनस GmM / R, इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, समझ गए? माइनस GmM / R, डन। अब एक डेरिवेशन पढ़ेंगे हम, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे एस्केप वेलोसिटी के लिए, और फिर ये चैप्टर की थियरी लगभग खत्म हो जाएंगी। चलो ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा बाकी रहेगा, दो टॉपिक्स छोटे छोटे बाकी रहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया सबको? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, है ना? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टूड? ऑब्जेक्ट की जगह बॉडी भी बोले तो चलता, मिटा देता हूं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहती है? GmM / R, अगर वो अर्थ के सरफेस पर है, और अगर हाइट पर है तो GmM / R+H। अंडरस्टूड? दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अगर इफ दिस इज द अर्थ और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट O, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, समझो ये दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा है, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज दिस ऑब्जेक्ट हैव? इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? तो इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GmM / R, इतनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसमें? काइनेटिक एनर्जी इन दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट चल रहा थोड़ी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी, उसका डेफिनेशन सुनो, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है ही नहीं, वो तो एक ही जगह रुका है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो है, समझ रहे हो? और अगर मैं उसको चलाने लग जाऊं तो उसको भगाने लग जाऊं तो वो भागेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½mv². जब वो भागने लग जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ½mv²
तो सी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाँ माइनस जी एम एम अपॉन आर। चलो ठीक है, दिस इज द डेरिवेशन। अब मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ से उठाकर फेंक दू, बहुत ऊपर फेंक दू, और ये कभी अर्थ से वापिस ना आए, थ्रो ना। इस आई हैव थ्रोन दिस ऑब्जेक्ट अप टू सो मच हाइट, इतने ऊपर इतनी ज्यादा हाइट पर फेंक दिया मैंने ये ऑब्जेक्ट को कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के, अर्थ की ग्रेविटी इसको वापिस अट्रैक्ट नहीं कर रही अर्थ के तरफ, यानी अट्रैक्ट कर रही है लेकिन ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर वापिस कभी नहीं आएगा, हमेशा के लिए चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको फेंक दिया इतने ऊपर फेंक दिया कि जहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई जीरो, यहां फेंक दिया, यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एम एम अपॉन जी एम एम अपॉन इंफिनिटी। कितनी हाइट होगी, पहले कितना था वो आर, अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना था, अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस आर था, अब मैंने उसको यहाँ फेंक दिया, ऑब्जेक्ट इतने हाइट तक पहुंच गया, तब इतने हाइट तक पहुंच गया तो कितनी हाइट होगी, ये अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस फेंक दिया, इन्फिनिटी हाइट तक फेंक दिया मैंने, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और इसको यहाँ से ऊपर फेंकने के लिए मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी दिया, यहाँ से मैंने फेंकते समय कितनी काइनेटिक एनर्जी दिया उसको, फेंकते समय मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी दिया हाफ एम वी ई स्क्वायर। ध्यान से समझना, लिख कर दू, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन ग्राउंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द ग्राउंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द ग्राउंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। नाउ वी विल थ्रो द ऑब्जेक्ट, थ्रो एन ए प्रोजेक्ट या लॉन्च, वी विल थ्रो द ऑब्जेक्ट विद हाई वेलोसिटी और हाई काइनेटिक एनर्जी इनटू द स्पेस, इनटू द स्पेस, देन इट्स टोटल एनर्जी, देन इट्स टोटल एनर्जी will be its total energy will be total energy will be total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, kinetic energy कितनी half m v e square plus पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस एम जी एम अपॉन आर। ठीक है, टोटल एनर्जी कहाँ, ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। नाउ एट इनफाइनाइट हाइट above the surface of the earth, above the surface of the earth, now at infinite height above the surface of the earth, comma, इसके आगे का यहां लिख रहा हूं, potential energy of the object is zero and the object is not moving after reaching
सो इट्स टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट हाइट विल बी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो. पोटेंशियल एनर्जी कितनी? तो टोटल एनर्जी कितनी है? जीरो. इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स इक्वल, ऑलवेज रिमेन्स द सेम का मतलब ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाइट एट इंफिनिटी. तो इसके आगे का हम यहां लिखेंगे. देयरफॉर टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑन अर्थ. टोटल एनर्जी ऑन इंफिनिटी कितनी है? जीरो. और टोटल एनर्जी ऑन अर्थ कितनी थी? हाफ एम वी ई स्क्वेयर माइनस जी एम एम अपॉन आर. ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा. जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ एम वी ई स्क्वेयर. एम एम कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? फिर जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ इंटू वी ई स्क्वेयर. तो ये क्या हो जाएगा? 2gm, 2gm upon r is equal to ve square. And फिर ve is equal to क्या हो जाएगा? Square root of 2gm upon ये capital L है r. This is the formula for escape velocity. E अगर ve where what is VE? VE is the escape velocity. What is escape velocity? अभी ये ऑब्जेक्ट का कैसा है? ऊपर रुका हुआ है, एक जगह रुका हुआ है. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जीरो नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ रहती? पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती आपके सेंटर पर. और पोटेंशियल एनर्जी आपके ऊपर चले जाए यहाँ पर तो कितनी रहती? एम जी एच, एच यानी आर, ये डिस्टेंस एम जी आर. और एम जी आर यानी ये इसलिए एम जी आर माइनस एम जी आर. पोटेंशियल एनर्जी हियर माइनस एम जी आर. फिर जी की वैल्यू रख देंगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर. ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे हम. यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम जी आर. और उनका माइनस एम जी की वैल्यू क्या होती है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर. ये ऐसा होता है, इसको उल्टा लिख देंगे. माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम जी आर. फिर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम जी की जगह जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर. और फिर भी आगे फॉर्मूला. तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम एम अपॉन आर. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी देना है हमको. अगर मैं चाहता हूं इफ आई वॉन्ट कि ये पेन अर्थ से हमेशा के लिए ऊपर चले जाए तो मैं क्या करूंगा? इसको फेंकूंगा और इसको काइनेटिक एनर्जी दूंगा फेंक के. और काइनेटिक एनर्जी दूंगा मतलब क्या? इसमें मैं वेलोसिटी दूंगा, इसको स्पीड दूंगा. मैं इसको इतने स्पीड से फेंकूंगा, इतनी ज्यादा स्पीड से फेंकूंगा कि ये कभी अर्थ पर वापस नहीं आएगा. आपने कार्टून में देखे होंगे छोटा भीम किसी को मारता है खींच के, तो इतने जोर के मारता है कि वो मून तक चले जाता है. लेकिन छोटा भीम वगैरह में गलत दिखाते कार्टून में कि वो विलन को मारता तो आसमान के ऊपर चले जाता, मून तक चले जाता और फिर मून से वापस अर्थ पे आ जाता.
ऐसा नहीं होता। अगर एक पर्टिकुलर हाइट पर कोई चीज अर्थ से चली गई, फेंक दिया हमने, तो वो वापिस अर्थ पे नहीं आएंगे। हाँ, थोड़े दूर तक फेंक दिए तो आ जाएंगे, लेकिन अगर इनफाइनाइट हाइट तक किसी चीज को फेंक दिए तो वापिस नहीं आएंगे। सो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, ये डेरिवेशन लिख लो, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, द मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी which an object must be thrown, an object must be thrown, thrown का मतलब होता है projected, into the space so that it never comes, so that it never comes back on earth and escapes from the earth's पुल, और के खिंचाव से दूर भाग जाएगा। द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी थ्रोन और प्रोजेक्टेड इनटू द स्पेस सो दैट इट नेवर कम्स बैक ऑन अर्थ, सो दैट इट नेवर कम्स बैक टू अर्थ एंड एस्केप्स फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, सो दैट इट नेवर कम्स बैक ऑन अर्थ और टू द अर्थ एंड इट एस्केप्स फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल PULL पुल नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास यही रुका देंगे हम लोग, इसके आगे का वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। अगर कोई डाउट रहता है तो यू विल कॉन्टेक्ट मी, और अगर डाउट नहीं है तो वेरी गुड, ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे से प्रिपेयर करना, साइंस में फुल 100 मार्क्स लेने की हमें तैयारी करना है। चलो, हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी लॉकडाउन, स्टे एट होम, स्टे सेफ।